आज भारतीय संगीत की लय थम गई, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए, कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी नहीं रहे। कथक सम्राट नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हृदयघात से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 वर्षीय बिरजू महाराज ने रविवार रात दिल्ली में अंतिम सांस ली। देर रात उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें तुरंत साकेत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुछ दिन पहले ही पता चला कि महाराज को गुर्दे की बीमारी थी, उनका इलाज चल रहा था। बिरजू महाराज के निधन की खबर से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर छा गई है। बिरजू महाराज कथक के पर्याय थे। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के सदस्य थे। ताल और घुंघरुओं के तालमेल के साथ कथक नृत्य पेश करना एक आम बात है, लेकिन जब ताल की थापों और घुंघरुओं की रुझान को महाराज के माधुर्य में तब्दील करने की बात हो, तो बिरजू महाराज के अतिरिक्त और कोई नाम ध्यान में ही नहीं आता। बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्र था। उनका जन्म 4 फरवरी 1937 को लखनऊ के प्रसिद्ध कथक नर्तक परिवार में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज कथक नृतक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता और गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। अच्छन महाराज की गोद में महज 3 साल की उम्र में ही बिरजू की प्रतिभा दिखने लगी थी। इसी को देखते हुए पिता ने बचपन से ही अपने यशस्वी पुत्र को कला दीक्षा देनी शुरू कर दी, किंतु उनके पिता की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने के बाद उनके चाचाओं सुप्रसिद्ध आचार्यों शंभू और लच्छू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षित किया। कला के सहारे ही बिरजू महाराज को लक्ष्मी मिलती रही। उनके सिर से पिता का साया उस समय उठा जब वह महज 9 साल के थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की नृत्य बालियाओं जैसे गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव व फाग बहार इत्यादि की रचना की। सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए भी उन्होंने उच्च कोटि की 2 नृत्य नाटिकाएं रची। इन्हें ताल वाद्यों की विशिष्ट अंत प्रेरणा भरी समझ थी, जैसे तबला, पखावज, ढोलक, नाल और तार वाले वाद्य वायलिन, स्वरमंडल व सितार इत्यादि के सुरों का भी इन्हें गहरा ज्ञान था। इन्होंने हजारों संगीत प्रस्तुतियां भारत एवं भारत के बाहर भी दी। 1998 में अवकाश ग्रहण करने से पूर्व पंडित बिरजू महाराज ने संगीत भारती भारतीय कला केंद्र में अध्ययन किया व दिल्ली के कथक केंद्र के प्रभारी भी रहे। इनके 2 प्रतिभाशाली पुत्र श्री जयकिशन और दीपक महाराज भी इन्हीं के पदचिन्हों पर अग्रसरित हैं। अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद भी इनके द्वारा नई प्रतिभाओं की कल में तराशी जा रही है। पंडित बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। बिरजू महाराज ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही नई दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही भारतीय कला केंद्र में सिखाना आरम्भ किया। कुछ समय बाद इन्होंने कथक केंद्र, संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई में शिक्षण कार्य आरंभ किया। यहाँ ये संकाय के अध्यक्ष थे तथा निदेशक भी रहे। तत्पश्चात 1998 में उन्होंने वहीं से सेवानिवृत्ति पाई। इसके बाद कलाश्रम नाम से दिल्ली में ही एक नाट्य विद्यालय खोला। इन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी की संगीत रचना की तथा उनके 2 गानों पर नृत्य के लिए गायन भी किया। इसके अलावा वर्ष 2002 में बनी हिंदी फिल्म देवदास में एक गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे का नृत्य संयोजन भी किया। इसके अलावा कई हिंदी फिल्मों जैसे डेढ़ इश्कियां, उमराव जान तथा संजय लीला भंसाली निर्देशित बाजीराव मस्तानी में भी कथक नृत्य के उन्होंने संयोजन किया।
आज भले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन नृत्य की एक नई मिसाल उन्होंने कायम की है, जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।